नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार स्वागत करता हूं आपका स्टडी स्पार्क यूट्यूब फैमिली में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं असिस्टेंट सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर के लिए लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का पार्ट वन। फ्रेंड्स, प्रारंभ करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि आपका जो टेस्ट हो रहा है क्लास में, जो हमने टेस्ट सीरीज चलाया हुआ है, उसे आप अटेम्प्ट लीजिए। साथ ही साथ आपका सब्जेक्टिव टेस्ट का भी एग्जाम हो रहा है। आपके पेपर में सब्जेक्टिव टेस्ट नहीं है, मैं जानता हूँ, फिर भी मैं आपसे सब्जेक्टिव टेस्ट इसलिए लेता हूँ क्योंकि मेरा यह मानना है और मैंने पर्सनली इसका एक्सपेरिमेंट किया है तैयारी में कि जब आप चीज़ों को लिखते हैं तो ज़्यादा याद होती है। इसका एग्जाम्पल है कि आप पढ़िए, कोई नोट्स पढ़िए या बुक पढ़िए, फिर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो रिकॉल करने में समस्या होती है। तो मैं यह चाहता हूं कि जो सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज हमने शुरू किया है उसमें आप जो पढ़ाई करते हैं, मैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता हूं, आपके सिलेबस से पूछता हूं, तो आप उसको लिखिए और लिखकर हमें स्कैन करके ऐप में अपलोड कर दीजिए, क्योंकि आपको हमारा ऐप आपने डाउनलोड किया है, आप हमारा परचेज स्टूडेंट हैं, आपने कोर्स खरीदा है, तो आप हमारे ऐप के थ्रू क्वेश्चन आंसर राइटिंग करके लिखकर भेजिए, जिसे मैं चेक करके आपको फिर प्रोवाइड करा दूंगा। सब्जेक्टिव टेस्ट जरूर अटेम्प्ट लीजिए। आपको लगता होगा कि सर हमारे पेपर में तो ये है ही नहीं, फिर मैं क्यों दूं? नहीं, आप एक बार देकर देखिए, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। जैसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ऑब्जेक्टिव कैसे भी बनाएगा एग्जामिनर, तो आप एग्जाम में आसानी से ऑब्जेक्टिव करके आ जाइएगा। आपकी तैयारी को बूस्ट देने के लिए हमने ये सीरीज शुरू किया है और एक क्वेश्चन हमने डाल भी रखा है, शायद हमने उसमें क्लासिफिकेशन पूछा है डोमेस्टिक वेस्ट का। जो भी हो, आपके ऐप में जो स्टडी स्पार्क का ऐप है उसके थ्रू हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं और उसी ऐप में आप क्वेश्चन का आंसर लिखकर स्कैन करके हमें भेजते हैं, फिर मैं चेक कर लेता हूँ, फिर आपको प्रोवाइड कराता हूँ। ऑब्जेक्टिव टेस्ट का भी अटेम्प्ट लीजिए, वो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। आप क्वेश्चन से रूबरू होंगे, जिस क्वेश्चन को आप नहीं समझ पा रहे हैं उस क्वेश्चन को पढ़िए आप और उसके उससे रिलेटेड मटेरियल को फाइंड कीजिए, उसको पढ़िए, समझिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कंपिटेंट हो पाएँ इस एग्ज़ाम के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर पाएँ। मुझे आशा है कि आप वो सब्जेक्टिव टेस्ट का आंसर राइटिंग करके ऐप के थ्रू हमें भेजेंगे, क्योंकि आपने पेड कोर्स लिया है, आपकी अच्छी तैयारी हो, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है और हम जिम्मेदारी लेते हैं। हम अपनी जिम्मेवारी से नहीं भाग रहे हैं। आपको जितना दिया जा रहा है टास्क, आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारी शिकायत है, आप इसे शिकायत समझिए। और जैसा भी हो, आपको लग रहा हो कि सर मैं कैसे लिखूंगा, कैसा होगा, नहीं होगा, अरे आप प्रारंभ तो कर देखिए, स्टार्ट तो कीजिए एक बार, तो ऑटोमेटिकली आपको कई सारी चीज़ों का आंसर पता चल जाएगा, कई सारी चीज़ें समझ में आएंगी। करना प्रारंभ कर दीजिए, आपने एक भी टास्क कंप्लीट नहीं किया है, बस शिकायत रहती है कि वीडियो नहीं है, टेस्ट नहीं है, जो है उसको तो आप कर नहीं रहे। और ठीक है, आपने परचेज किया है, मैं आपको हर चीज़ प्रोवाइड कराऊंगा। एक इंस्टीट्यूट को ये रहता है कि हम जितने स्टूडेंट को पढ़ाएं कम से कम उसका सिलेक्शन हो जाए, इससे हमारा भी नाम होता है, आपका तो नाम होता ही है, इंस्टीट्यूट को भी क्रेडिट मिलता है और इंस्टीट्यूट आपके सक्सेस के लिए खून पसीना एक करने के लिए तैयार रहती है। और इस एग्ज़ाम को क्लियर करें ताकि हमें भी प्राउड हो कि हमने जिन्हें पढ़ाया उनको नौकरी हो गया और आपको सर्विस हो जाए, आप भी बताएं कि स्टडी स्पार्क हमारे साथ खड़ा था और उन्होंने हमसे इस तरह के असाइनमेंट कराए। वैसे स्टूडेंट जिन्होंने हमारा कोर्स परचेज नहीं किया है, उनके लिए भी हमारे पास फ्री टेस्ट अवेलेबल है। आप हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, स्टडी स्पार्क के नाम से है, गूगल प्ले स्टोर में जाइए और स्टडी स्पार्क के नाम से ऐप को फाइंड कीजिए, सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा, इसे डाउनलोड कीजिए और टेस्ट दीजिए। आप बीपीएससी का भी टेस्ट लगा सकते हैं, करंट अफेयर्स का भी टेस्ट। करंट अफेयर का टेस्ट फ्री है, इसका हम कोई चार्ज नहीं लेते और ये अपडेट होता रहेगा, आप इसे दीजिए, क्योंकि बीपीएससी के एग्ज़ाम में 30 से 35 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, बिहार से भी 30 क्वेश्चन होते हैं, बिहार का भी टेस्ट मैं फ्री करने वाला हूँ। सोचिए, आपका 65 क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाएगा। साइंस का भी 30 के आसपास होता है, अगर ये तीन पोर्शन आप अच्छा से कर लीजिएगा तो समझ लीजिए कि आप कटर के आप आसपास ही रहेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। इस तीन सेक्शन को आपको कंप्लीट करना चाहिए और ये तीनों सेक्शन हम करा देंगे, कराएंगे सारा सेक्शन, लेकिन इस तीन पे ज़्यादा फोकस करना है आपको, टेस्ट देना है। आप ऐप डाउनलोड कीजिए, अगर आपने परचेज नहीं किया है तो फ्री में भी आप टेस्ट दे सकते हैं, उसका हम चार्ज नहीं लेते हैं, ओके। हाँ, हमने बीएसएससी सीरियल 3 के लिए
मॉक टेस्ट प्रारंभ किया है जिसमें आप 299 का कोर्स लेकर के कोई भी टेस्ट किसी भी एग्जाम का, चाहे वो एसएससी हो, बीपीएससी, एसएससी हो या एसएससी सीजीएल हो, हमारा बिहार कर्मचारी चयन आयोग का जो तृतीय स्नातक स्तरीय एग्जाम है उसका टेस्ट, ये सारा आप लगा सकते हैं, बैंक, रेलवे इत्यादि, है ना। तो बीएसएससी सीजीएल का बैच भी चल रहा है, ये तो मॉक टेस्ट की हम बात कर रहे थे, इसके लिए टारगेट बैच चल रहा है, आप उसमें इनरोल हो सकते हैं टारगेट बैच में, या फिर फाउंडेशन बैच हमारा प्रारंभ हो रहा है, फाउंडेशन बैच में को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। सबसे पहला रिक्वेस्ट होगा मेरा कि सबसे पहले आप मेरे ऐप को डाउनलोड कीजिए जो कि गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है स्टडी स्पार्क के नाम से, फिर आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। ओके, चलिए बहुत बातें हुई, अब हम प्रारंभ करते हैं। आज का चैप्टर है लीगल एस्पेक्ट्स। लीगल एस्पेक्ट्स का हिंदी होता है कानूनी पहलू। ओके, आप लिख सकते हैं इसको कानूनी पहलू। लीगल एस्पेक्ट्स को जानने से पहले इसकी हिस्ट्री को जानते हैं हम, थोड़ा सा गो थ्रू हो लेते हैं, फ्रेशर रहेगा हमारे लिए, कुछ जानकारी बैकग्राउंड की हो जाएंगी, फिर आसान हो जाएगा हमें चीजों को समझने में। देखिए, वर्ष 2000 ये ईयर ऐसा था जहां तक हमारे पास कोई भी लीगल ऐसा कोई कानून नहीं था वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, कोई कानून नहीं था 2000 ईस्वी से पहले। वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हमारे इंडिया में कोई भी कानून नहीं था। तो वर्ष 2000 एक ऐसा साल था जहां पर वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक कानून बनाया गया जिसका नाम था MSW, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। और आपको यह जानकर ताज्जुब होगा हमारा इंडिया पूरी दुनिया में कचरा निर्माण करने में तीसरा स्थान रखता है ना, पूरी दुनिया में सबसे अधिक कचरा उत्पादन करता है, वो भी म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट करता है, सबसे अधिक निर्माण करता है, सबसे खराब प्रदर्शन है हमारे इंडिया का। इसके पीछे कुछ रीजन है, क्योंकि जो हमारा नगर निगम का क्षेत्र है, नगर निकाय, वो सबसे अधिक कचरा का निर्माण करता है और इसी कारण इंडिया सबसे पीछे है, सबसे खराब स्थिति है इसकी। और इस खराब स्थिति के कारण इंडिया ने कई समस्याओं का सामना किया है, कई बीमारियों से, कई आपदाओं से इनको सामना करना पड़ा है। हालांकि उन बीमारियों को, उन आपदाओं को कोई दूसरा नाम दे दिया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आंतरिक रूप से, इंटरनल रूप से कहें तो हमारा वेस्ट मैनेजमेंट भी इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि हमें पता है कि जितनी गंदगी फैलेगी उतना अधिक बीमारी होगी, है ना। तो जितना आप साफ सफाई में रहते हैं या सैनिटेशन का ध्यान रखते हैं तो उतना कम बीमार होने की संभावनाएं होती हैं, लेकिन अगर आप बहुत गंदगी फैलाएं, खुद गंदा रहें, तो आपको लग जाता होगा कि बीमार होने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता, तुरंत बीमार भी होता है आदमी। इसीलिए कहा जाता है कि हम स्वच्छ वातावरण में रहें, स्वच्छ पानी पिए, सैनिटेशन का ध्यान रखें, है ना, तो हम स्वस्थ रहेंगे, कम बीमार पड़ेंगे। और कहा भी गया है कि इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में जो सबसे अधिक बीमारी फैलती है वो गंदगी की वजह से ही फैलती है। एक घटना घटी थी वर्ष 1994 में, है ना, यह वह साल था जब सूरत में प्लेग नाम की बीमारी फैली थी, प्लेग। हालांकि अंग्रेजों के टाइम में भी प्लेग फैला था, जिस पर प्लेग कमीशन भी बनी थी, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम आजाद भारत की बात कर रहे हैं। 1994 एक साल था जहां पे प्लेग नामक बीमारी फैली थी जिसको नाम दिया गया अनकलेक्टेड सॉलिड वेस्ट ब्लॉकिंग ड्रेन्स, है ना, ये नाम दिया गया। ये तो वही बात हो गई ना, गांव घर में कहावत है, खेत खाए गधा, मार खाए जोलहा, यानी कि करे कोई और भुगते कोई और, नाम किसी और को लगे। प्लेग फैला और इसको नाम दे दिया गया अनकलेक्टेड सॉलिड वेस्ट ब्लॉकिंग ड्रेन्स, और हमने यहाँ पर वेस्ट को भी जिम्मेदार ठहराया कि ये कारण है प्लेग फैलने के। इतना ही नहीं, आपको याद होगा वर्ष 2005 में मुंबई में जो बाढ़ आई, कुछ याद आया 2005, जो पूरा का पूरा शहर बाढ़ में तबाह हो गया था, डूबने के कगार पे था। वहां पे कहा गया कि ये जो बाढ़ का कारण है ना, वो नालियों में, जो मुंबई में सीवेज है, उस नालियों में प्लास्टिक का थैला जाकर जमा हो गया था, है ना। ये क्या किया, नाली को जाम कर दिया और पानी ब्लॉक हो गया, जिसके कारण पानी बाहर आ गया और शहर में फैलने लगा। यानी कि सही तरीके से पानी सीवेज के थ्रू या नाली के थ्रू बाहर नहीं निकल पाया और प्लास्टिक थैला के जमा हो जाने के कारण वो
सीवेज या नाली जाम हो गया और पानी इकट्ठा होने के साथ साथ नालियों से बाहर निकलने लगा और पूरे शहर में पानी फैल गया, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। तब सरकार की नींद खुली, महाराष्ट्र सरकार की, और उन्होंने आओ देखा ना ताओ और वर्ष 2006 में क्या किया, एक कानून बनाकर लाया जिसका नाम इन्होंने रखा महाराष्ट्र कैरी बैग, लिख लो आप महाराष्ट्र कैरी बैग नियम 2006। और यहां से शुरुआत हो जाती है महाराष्ट्र में कैरी बैग नियम 2006। वो कहते हैं ना कि जब तक आदमी पे बीतता नहीं है तब तक वो सचेत होता नहीं है, वैसा ही हाल कुछ आप लोगों का भी है। आप लोगों को मैंने सब्जेक्टिव टेस्ट का क्वेश्चन दिया और आप लोगों ने बनाया नहीं। मैं बार बार शिकायत करूंगा आपसे, आपको लगेगा कि सर ठीक बोल रहे हैं, मुझे कर कर देना चाहिए। आपने कोर्स लिया है, कोर्स में हम आपको सिर्फ गाइड करते हैं, करना आप ही को होता है ना, और हमारी प्रतिष्ठा जुड़ी है आपके साथ, इसीलिए पढ़िए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अब आते हैं, जब 2006 में महाराष्ट्र सरकार ने यह नियम बना लिया तब उसके बाद इस पे कई सारे संशोधन होते रहे और 2016 में एक फाइनल अधिनियम आया जिसे MSW रूल 2016 कहा गया। आप बोलेंगे कि सर आप तो एकाएक 2000 से शुरू किए थे, फिर 1994 में चले गए, फिर 2000 ईस्वी की कोई कहानी नहीं बताए, 2016 में पहुंच गए। मैं बतला दे रहा हूँ, देखिए हमने बात करी थी 2000 ईस्वी तक कोई कानून नहीं था MSW का, उससे पहले जो भी कानून थे वो सेपरेट कानून थे, वो अलग अलग काम करते थे, लेकिन प्रॉपर ढंग से जो अर्बन एरिया में जो शहरी क्षेत्र है वहां पर जो कचरा बहुत ज्यादा तैयार हो रहा था, हम वेस्टेज सबसे अधिक निर्माण कर रहे हैं, उसके मैनेजमेंट के लिए कोई एक प्रॉपर कानून नहीं था, वो 2000 ईस्वी में बना। तो उससे पहले कैसे इसका प्रबंधन होता था वो जानते हैं। देखिए वर्ष 1974 ईस्वी में वाटर जो जल प्रदूषण है उसके मैनेजमेंट के लिए प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट पारित किया गया। आप लिख लीजिए प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, कब पारित किया गया, वर्ष 1974 में, है ना। वही 1981 में हवा यानी वायु प्रदूषण के लिए भी एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट का निर्माण किया गया। लिख रहे होंगे आप, ये लीगल एस्पेक्ट्स के ही चैप्टर है, आपको याद कराने के लिए हम तोड़ तोड़ कर बता रहे हैं। 1974 में वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट लाया गया, वर्ष 1981 में एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट लाया गया, है ना। कई सारे एक्ट के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कहानी के थ्रू। अब आगे हम बात करते हैं वर्ष 1986 की। वर्ष 1986 यह वह साल था जहां पर पर्यावरण के प्रोटेक्शन के लिए, है ना, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया ताकि हमारा जो पर्यावरण है वो दूषित ना हो। अगर हमारा पर्यावरण दूषित हो जाएगा यानी कि हवा पानी इत्यादि, तो हम क्या पिएंगे, क्या सांस लेंगे, तो वायु जहरीला हो जाएगा, पानी जहरीला हो जाएगा, हम पीते ही सांस लेते ही मर जाएंगे। हमारे लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आज हमारे लिए फ्री है ना, जिसको हम आज फ्री समझ रहे हैं, पानी को, वायु को, वायु तो फ्री है, इसका कोई पैसा नहीं लग रहा है, लेकिन अगर हम सचेत नहीं हुए, अगर जरा सा भी चेतना को नहीं जागृत किए, तो जान लीजिए वो दिन दूर नहीं है जब हम जहरीला वायु सांस लेंगे, जहरीला पानी पियेंगे और हमारी जो आयु है घटकर बहुत कम हो जाएगी और बहुत जल्दी मृत्यु होना प्रारंभ हो जाएंगे, है ना। अभी एग्जाम्पल दिख रहा है, बोतल बंद हम पानी पी रहे हैं ना जी, 20 रुपए लीटर, ये क्या है, ये एग्जाम्पल है। एक समय था, लोग कहते हैं हमारे बुजुर्ग लोग, कि वो चापाकल का पानी पी करके स्वस्थ रहते थे, 100 साल जीते थे, लेकिन आज हम बिस्लेरी का पानी पीकर भी स्वस्थ नहीं है, बीमार हो जा रहे हैं। तो ये सब कारण क्या है, हमारे वेस्ट के निर्माण की वजह से, इसके जिम्मेदार भी हम हैं, हम ही खुद बना रहे हैं इस इन्वेस्टर्स को, हम ही खुद वायु को प्रदूषित कर रहे हैं, कई सारे खतरनाक अपशिष्ट का निर्माण कर रहे हैं, न्यूक्लियर अभी देख रहे हैं ना, रसिया यूक्रेन ये सब युद्ध जो हो रहा है, यहाँ पे कई सारे मिसाइल्स दागे जा रहे हैं, कई खतरनाक हथियार का इस्तेमाल किया जा रहा है। मानिए ये जितने भी चीज़ें जब ये उपयोग में आएंगी, वायु में इनका जहर फैलेगा, इस्तेमाल होने के बाद जब ये हथियार का जहर वायु में फैलेगा, तो ये जहर हमें ही लेना पड़ेगा ना, हम ही तो वायु के जरिए सूंघेंगे, सांस के थ्रू अंदर जाएगा हमारे और हमारे नर्वस सिस्टम को खराब करेगा। हमारा पर्यावरण दूषित ना हो उसके सुरक्षा के लिए 1986 में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया। फिर एक साल आता है 1989 का,
और यह वह साल है जहां पर हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक कानून आता है, हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट। हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट समझ रहे ना, हजार्डस का मतलब ही होता है खतरनाक, है ना। तो हजार्डस वेस्ट के लिए आया मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स। कौन सा आया? मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 1989। और यहां पे हजार्डस वेस्ट के प्रबंधन की बात की गई। हमने पढ़ लिया 2000 ईस्वी से पहले की कहानी, अब बात करते हैं 2000 ईस्वी की। यह वह साल है जहां से एक नया अध्याय प्रारंभ होता है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के लिए। और यहां से यह कानून 16 वर्षों तक चलता है, और 16 वर्षों में हम रिप्लेस करते हैं, इस कानून में कुछ खामियां होती है, फिर इसे रिन्यू करते हैं, रिप्लेस करते हैं एक कानून से, जिस कानून का नाम होता है MSW 2016। याद रखिए कि MSW यानी म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए अगर पूछा जाए कि कानून सबसे पहले कब आया, तो आप बोलिएगा वर्ष 2000 में आया। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो कानून आया वो सबसे पहले 2000 ईस्वी में आया, याद रहेगा। अभी तक हम बात कर रहे थे लीगल एस्पेक्ट्स की, बैकग्राउंड की, इन डिटेल्स। अभी ने हम जानते हैं लीगल एस्पेक्ट्स। इंडिया होल्ड्स द थर्ड रैंक इन द वर्ल्ड अमंग द कंट्रीज प्रोड्यूसिंग म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट MSW विद 1,10,000 टन ऑफ वेस्ट पर डे। कितना खतरनाक है कि तीसरा रैंक तो हम पूरे दुनिया में होल्ड करते ही हैं, खराब प्रदर्शन में, सबसे खराब प्रदर्शन है ना, और कचरा निर्माण में सबसे अधिक कचरा निर्माण भी करते हैं, और पूरे दुनिया में कितना, कौन सा स्थान है हमारा? तीसरा। और शॉकिंग न्यूज, पर डे हम 1,10,000 टन कचरा का निर्माण करते हैं। कितनी अच्छी बात है, सुन के खराब लगता है। अवेयरनेस चाहिए, नहीं तो ये जो कचरा है ना एक दिन हमारा कब्र बना देगा। ओके, तो अवेयरनेस चाहिए, इसके निपटान की विधि हमें पता होनी चाहिए, और जितना कम कचरा प्रोड्यूस करेंगे हम उतना अधिक हमें फायदा होगा। एज इट लैक प्रॉपर MSW मैनेजमेंट सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर, इट हैज वेरी हाई अर्बन वेस्ट जनरेशन रेट पर कैपिटा। इट हैज फेस्ड मेनी कैटास्ट्रोफिक माइजरीज बाउट बाय MSW एंड इट्स पुअर क्वालिटी डिस्पोजल सिस्टम। साफ साफ कह रहा है, क्योंकि इसमें उचित MSW प्रबंधन प्रणाली की कमी है, इसलिए इसमें प्रति व्यक्ति शहरी अपशिष्ट उत्पादन दर बहुत अधिक है। इसने MSW और इसकी खराब गुणवत्ता निपटान प्रणाली द्वारा लाए गए कई भयावह दुखों का सामना किया है। आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि सर, ये पर डे जो 1,10,000 टन कचरा निर्माण हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्या इसके डिस्पोजल के लिए कोई रूल नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है? तो मैं कहूंगा कि सही मैनेजमेंट नहीं होने के कारण, खराब मैनेजमेंट यानी कि पुअर मैनेजमेंट होने के कारण, यह जो कचरा का जो ये आप देख रहे हैं डेटा, 1,10,000 टन निर्माण होने का, यह भी कारण है पुअर क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। और इसमें सबसे अधिक शहरी क्षेत्र, अर्बन एरिया का योगदान है, ये सबसे अधिक कचरा का निर्माण करते हैं। गांव में कम होता है, लेकिन शहर में सबसे अधिक होता है। पुअर क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट इसके लिए जिम्मेदार है। फॉर एग्जाम्पल, वेन अ प्लेग ब्रोक आउट इन सूरत इन 1994, अनकलेक्टेड सॉलिड वेस्ट ब्लॉकिंग ड्रेन्स एज टू ब्लेम एज पर द ऑफिशियल इंक्वायरी ऑन द काउसेस। मैंने शुरू में ही बतला दिया था आपको कि जब 1994 में सूरत में एक प्लेग फूटा, तो उसके कारणों पर आधिकारिक जांच के अनुसार अनकलेक्टेड सॉलिड वेस्ट ब्लॉकिंग ड्रेन को दोष दिया गया, है ना। अनकलेक्टेड होगा ये हटा देना, ओके। तो दोष मर दिया अनकलेक्टेड सॉलिड वेस्ट ब्लॉकिंग ड्रेन सिस्टम को। लेकिन हम जो कचरा इतना निर्माण कर रहे हैं, उसके बारे में चेतना नहीं जागृत की गई, ये नहीं बताया गया। अब हम जागृत हुए हैं, अब हम जागे हैं, तब प्रबंधन पर ध्यान दे रहे हैं, वेस्ट मैनेजमेंट पर। ओके, द नोटोरियस 2005 फ्लड इन मुंबई वाज आल्सो यूज ड्यू टू ड्रेन बींग ब्लॉक्ड बाई प्लास्टिक बैग्स, इट्स डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस बींग द इंट्रोडक्शन ऑफ महाराष्ट्र प्लास्टिक कैरी बैग रूल 2006। मैंने बोला ही था कि महाराष्ट्र में जब 2005 की बाढ़ का भयावह स्थिति उत्पन्न हुई थी, तब वहां पर प्लास्टिक की थैलियों द्वारा नालियों को रोकने का कारण बताया गया कि जो नाली है वो प्लास्टिक का बैग जमा हो जाने के कारण जाम हो गया है, जिसके कारण यह बाढ़ आया है 2005 में। तो तुरंत इसके परिणाम स्वरूप सरकार ने आओ देखा ना था और महाराष्ट्र प्लास्टिक कैरी बैग नियम 2006 की शुरुआत कर दी, और इसके मैनेजमेंट के लिए यह कानून को लागू कर दिया। तो अब समझ में आ गया होगा आपको, जब समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो उसका सॉल्यूशन भी निकल कर आता है,
हम यह कह सकते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हमारे पास यह समस्या नहीं आई थी इससे पहले, तो हमने इसका इजाद नहीं किया था। समस्या आई तो उसके निपटान के लिए हमने इन सारी चीजों का निर्माण प्रारंभ कर दिया। एक जीता जागता उदाहरण है कोविड-19, है ना। कोविड-19 से पहले किसी को पता था? क्योंकि इस बीमारी के बारे में जानकारी भी नहीं थी, तो हम प्रिपेयर नहीं थे। जैसे ही कोविड-19 के बारे में हम लोग अवेयर हुए, जाने, तो उसको उसके रोकथाम के लिए कई सारे कदम उठाए और बहुत सारे चीजों का निर्माण भी किए। उसके प्रिवेंशन के लिए टीका का निर्माण किया गया, लोगों को अवेयर करने के लिए मास्क यूज करने की सलाह दी गई। उसी प्रकार यहाँ पर भी है कि हमें जब अवेयरनेस नहीं था तो हमें जानकारी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे समस्याएं उत्पन्न हुई तो हम उन समस्याओं से निपटने के लिए समय समय पर कई कानून लाते गए और उन कानूनों को उपयोग में लाए, और उन कानूनों के उपयोग से हम चीजों को कंट्रोल कर पाए, रोक पाए, है ना, और कई प्रिवेंटिव कदम भी उठाए। एनी वन कैन फाइंड मेनी अदर इंसिडेंट्स एंड अकरेंस विच कैन बी लिंक्ड विद द इन एडेक्टिवनेस ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या सिविक बॉडीज इन MSW मैनेजमेंट। किसी को भी कई अन्य घटनाएं और घटनाएं मिल सकती हैं जिन्हें MSW प्रबंधन में नगर निगमों, नागरिक निकायों की निष्क्रियता से जोड़ा जा सकता है। एज फार एज वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी इज कंसर्न, इंडिया हैज बीन वेल बिहाइंड एज कंपेयर्ड विद अदर कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड। जहां तक कचरा प्रबंधन नीति का सवाल है, भारत दुनिया के अन्य देशों की तुलना में काफी पीछे है। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं कि थर्ड रैंक पे हैं हम कचरा निर्माण में, यानी कचरा निपटान में नहीं, कचरा निर्माण में, याद रखना। डिस्पोजल में हम थर्ड रैंक पे नहीं है, हम प्रोड्यूसर हैं, याद रखिए। तो जब तक हर एक नागरिक जागृत नहीं होगा, तब तक हम इस समस्या से निदान नहीं पा सकते, इस समस्या का सामना नहीं कर सकते। हमारा अवेयरनेस हथियार है समस्या से लड़ने के लिए। Until 2000, India did not even have any law with regards to MSW exclusively. 2000 ईस्वी तक भारत में विशेष रूप से MSW के संबंध में कोई कानून नहीं था। इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन सच एज वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वेयर अबाउट इन, बट द सब्जेक्ट ऑफ MSW वाज निग्लेक्टेड लीगली। जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जैसे पर्यावरण कानून लाए गए, लेकिन MSW के विषय को कानूनी रूप से उपेक्षित किया गया, मतलब MSW पर ध्यान नहीं दिया गया। ये सारी कानून तो थी पहले से बनी हुई, लेकिन जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के मैनेजमेंट की बात थी, उसके मैनेजमेंट में इन कानूनों ने ध्यान नहीं दिया, इन्होंने इसे निग्लेक्ट किया, इसे दरकिनार किया, है ना। इस वजह से भी जिम्मेदार है यह म्यूनिसिपल अर्बन एरिया कचरा निर्माण में, अधिक से अधिक कचरा निर्माण के लिए जो जिम्मेदार है, यह भी कारण था म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट की मैनेजमेंट के कानून का नहीं होना। जहां तक कचरा प्रबंधन नीति का सवाल है, भारत दुनिया के अन्य देशों की तुलना में काफी पीछे है, बार बार आ रहा है, याद रखेंगे हम। इसी कड़ी में कुछ रूल्स आए, जैसे कि हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 1989 एंड बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 1998, डील्ड विद द सब्जेक्ट ओनली इन अ लिमिटेड वे। कहा जाता है कि 2000 ईस्वी से पहले ये सारे कानून की जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये सब तो आए, लेकिन ये जो अपने नाम के अनुसार ही अपने एरिया में लिमिट रहे। अगर इसने कह दिया कि हजार्डस वेस्ट का मैनेजमेंट करना है, तो ये सिर्फ खतरनाक वेस्ट का ही, हजार्डस वेस्ट का ही डिस्पोजल कर रहे थे। वहीं अगर बायोमेडिकल वेस्ट रूल की बात करें, तो यह कानून भी सिर्फ और सिर्फ बायोमेडिकल वेस्टेज का ही डिस्पोजल कर रहे थे। किसी कानून ने भी MSW पर ध्यान नहीं दिया। खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन और हैंडलिंग नियम 1989 और बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन और हैंडलिंग नियम 1998 जैसे कुछ नियम इस विषय से केवल सीमित तरीके से निपटते हैं। दिस ग्लेरिंग ओवरलुक वाज कंपाउंडेड बाय द कैश स्ट्रैप्ड स्टेटस एंड जनरेटेड इन डिफरेंस ऑफ द सिविक बॉडीज टुवार्ड्स मेंटेनिंग अ फंक्शनल MSW डिस्पोजल सिस्टम। यह अस्पष्ट अनदेखी नकदी की तंगी की स्थिति और एक कार्यात्मक MSW निपटान प्रणाली को बनाए रखने के प्रति नागरिक निकायों की समान उदासीनता से जटिल होती गई थी। तो ये जो ओवरलुक हुआ, इसका एक कारण यह भी था कि जो हमारा म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, इसके डिस्पोजल के लिए जो खर्च होते, उस पर सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, उसको निग्लेक्ट किया, क्योंकि सरकारी खजानों पर इसका अतिरिक्त बोझ पड़ता, इसीलिए इससे बचना चाहा।
लेकिन कहते हैं ना कि क्षणिक खुशी के लिए बहुत बड़ी समस्याओं को आमंत्रण देना, ये वही हो गई। और बाद में सरकार को लगा कि नहीं, ये बहुत जरूरी है कि हम इसके मैनेजमेंट के लिए कानून लाएं और इसके मैनेजमेंट पर भी खर्च किए जाएं ताकि हम प्रोटेक्शन कर पाएं अपने एनवायरनमेंट का, हम लोगों को तो स्वच्छ वातावरण मुहैया करा पाएं। इन द ईयर 2000 म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2004 द फर्स्ट टाइम इफेक्टेड दैट डील्ड कॉम्प्रिहेंसिवली विद म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट एंड विच हैव बीन इन प्लेस फॉर द पास्ट 16 ईयर्स अंटिल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल SWM 2016 रिप्लेस दीज इन ईयर 2016। बस 2000 में नगर पालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और हैंडलिंग नियम 2000 ने पहली बार नगर ठोस कचरे को व्यापक रूप से निपटाया, और जो पिछले 16 वर्षों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम SWM थे उसकी जगह पर 2006 में SWM 2016 को लाया गया और यह प्रतिस्थापित किया गया। 2000 वाले कानून के जगह पर 2016 में एक कानून फिर लाया गया और इस कानून के जगह पे यह कानून अभी चल रहे हैं वर्तमान में। While the 2000 and 2016 rules deal with MSW generally, the following rules cover specific categories of waste that overlap with MSW. First, Hazardous Waste Management and Handling Rule 1989 amended in 2000 and 2003. Okay, यह जो 1989 में Hazardous Waste कानून बना, Hazardous Waste Management and Handling रूल, उसे 2000 ईस्वी में अमेंड किया गया और 2003 में दो बार अमेंड किया गया। ओके, सेकंड बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 1998 सप्रेस्ड, इसे सप्रेस्ड कर दिया गया 1998 वाले रूल को। रिसाइकल्ड प्लास्टिक मैन्युफैक्चर एंड यूजर रूल 1999। ओके, ये कहा गया है कि 2000 और 2016 के बीच जो भी कानून है जिन्होंने बहुत सारे कैटेगरीज को कवर किए हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। फोर्थ है बैटरीज मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2001 अमेंडेड इन 2010, 2001 में बना था जिसको अमेंड किया गया 2010 में। हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग एंड ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट रूल्स 2008 में आया और इसे अमेंड किया गया 21 जुलाई 2009 को, फिर अमेंड किया गया 23 सितंबर 2009 को, फिर थर्ड टाइम अमेंड हुआ 13 मार्च 2010 को, और फोर्थ टाइम इसे सप्रेस्ड किया गया 13 अगस्त 2010 को। फिर इसी में ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2011 को सप्रेस्ड किया गया, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2011 जिसे सप्रेस्ट किया गया है, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 लाया गया, हजार्डस वेस्ट एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट रूल 2016 है जो कि कई वेस्ट के कैटेगरी को कवर करते हैं, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में आया, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 अभी इफेक्टेड है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 इफेक्टेड है। 2000 और 2016 के नियम आमतौर पर एमएसडब्ल्यू के निपटान के लिए है। निम्नलिखित नियम विशिष्ट श्रेणियों के कचरे को कवर करते हैं जो एमएसडब्ल्यू के साथ ओवरलैप होते हैं। जब एमएसडब्ल्यू कानून बना 2016 तो इन सारे कानूनों को अपने अंदर समाहित कर लिया। ओके, सबको ओवरलैप कर लिया। तो ये 12 कानून थे, वो कौन कौन से थे? वह थे खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन और हैंडलिंग नियम 1989 जिसे 2000 और 2003 में संशोधित किया गया और बदला गया इसे। बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन और हैंडलिंग नियम 1998 में इसका बदला हुआ। पुनर्नवीकरण प्लास्टिक निर्माण और उपयोग नियम 1999 में बना जिसे ओवरलैप किया गया है एमएसडब्ल्यू 2016 में। ओके, 2000 और 2016 के नियम में इसे ओवरलैप किया गया था, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। बैटरी प्रबंधन और हैंडलिंग नियम 2001-2010 में संशोधित किया गया। खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन प्रबंधन और सीमा पार आवाजाही नियम 2008, 21 जुलाई 2009, 23 सितंबर 2009 और 30 मार्च 2010 और 23 अगस्त 2010 को संशोधित हुआ था। ई कचरा प्रबंधन और हैंडलिंग नियम 2011 इसको इसका अधिक्रमण कर लिया गया। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और हैंडलिंग नियम 2011 यह भी अधिक्रमित है। ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, खतरनाक और अन्य अपशिष्ट प्रबंधन और सीमा पार आवाजाही नियम 2016, निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, ये सारे कानून इन दो कानूनों में ओवरलैप किए थे और 2016 में जो फाइनल बना उनमें सभी कानून समाहित हैं और अब जो कानून चल रहा है वह है एमएसडब्ल्यू 2016। कचरा प्रबंधन के लिए सीपीसी एक अपेक्स बॉडी है जिन्होंने
कुछ तकनीकी गाइडलाइंस दिए, टेक्निकल गाइडलाइंस दिए हैं, उनकी चर्चा हम करेंगे, वो यहाँ पर है, इसको पढ़ेंगे। सीपीसीबी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ओके। और इन्होंने कुछ टेक्निकल गाइडलाइंस दिए हैं, और फॉलोइंग टेक्निकल गाइडलाइंस आर गिवन बाय सीपीसीबी व्हिच डील्स विद वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ वे। फर्स्ट, गाइडलाइंस ऑन इंप्लीमेंटिंग लाइबिलिटीज फॉर एनवायरमेंटल डैमेजेस ड्यू टू हैंडलिंग एंड डिस्पोजल ऑफ हैजार्डस वेस्ट एंड पेनल्टी। सेकेंड, गाइडलाइंस फॉर कॉमन हैजार्डस वेस्ट इंसिनरेशन क्राइटेरिया फॉर हैजार्डस वेस्ट लैंडफिल्स। थर्ड, प्रोटोकॉल फॉर परफॉर्मेंस इवेल्युएशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ द कॉमन हैजार्डस वेस्ट ट्रीटमेंट स्टोरेज एंड डिस्पोजल फैसिलिटीज इंक्लूडिंग कॉमन हैजार्डस वेस्ट इंसिनरेटर्स। फोर्थ, गाइडलाइंस फॉर सेटिंग अप ऑफ ऑपरेटिंग फैसिलिटी हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट। फिफ्थ, गाइडलाइंस फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग एंड अपकीप ऑफ डिस्पोजल साइट्स। सिक्स्थ, गाइडलाइंस फॉर एनवायरमेंटल साउंड रिसाइकलिंग ऑफ हैजार्डस वेस्ट एज पर शेड्यूल 5 ऑफ हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग एंड ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट रूल 2008। एट्थ, गाइडलाइंस फॉर द सेलेक्शन ऑफ साइट फॉर लैंडफिलिंग। नाइन्थ, गाइडलाइंस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हजार्डस वेस्ट, गाइडलाइंस फॉर स्टोरेज ऑफ इंसिनरेबल हजार्डस वेस्ट बाय द ऑपरेटर्स ऑफ कॉमन हजार्डस वेस्ट ट्रीटमेंट स्टोरेज एंड डिस्पोजल फैसिलिटीज एंड कैप्टिव एचडब्ल्यू कंडक्टिंग एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट साइट सेलेक्शन फॉर कॉमन हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी मैनुअल फॉर सैम्पलिंग एनालिसिस एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ हजार्डस वेस्ट। सीपीसीबी ने गाइडलाइंस जो दिया है उसमें साफ साफ कहा है कि जो हजार्डस वेस्ट है उसके निपटान के लिए या फिर जो भस्मीकरण विधि है वह विधि के लिए क्या नियम होंगे, क्या गाइडलाइन होंगे, उसको डिफाइन किया है। जो लैंडफिल का प्रोसेस है, आपने लैंडफिलिंग पढ़ा हुआ है, यूट्यूब पे भी मैंने पढ़ाया है, सिलेबस में भी आपने पढ़ा है, तो ये लैंडफिलिंग का क्राइटेरिया क्या होगा, कैसे हम उसको यूज करेंगे, कैसे डिस्पोजल करेंगे, ये भी गाइडलाइन इन्होंने दिया है। मॉनिटरिंग के लिए इन्होंने बनाया है प्रोटोकॉल, परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन के लिए क्राइटेरिया बनाया है, हजार्डस वेस्ट जो खतरनाक अपशिष्ट है उसके ट्रीटमेंट, उसके जमा करने का जगह, उसके डिस्पोजल, है ना, उसके भस्मीकरण, उसके निपटान इत्यादि के लिए कई गाइडलाइंस दिए हैं, और प्रॉपर फंक्शन करने के लिए जो डिस्पोजल के लिए साइट्स होंगे, कहाँ पर डिस्पोजल किया जाएगा, ऐसे जगहों के आइडेंटिफिकेशन के गाइडलाइंस जारी किए हैं, इन्होंने बनाया हुआ है। इन्वायरमेंटल साउंड रिसाइकलिंग हजार्डस वेस्ट शेड्यूल 5 में इन्होंने वर्णन किया है, और यह जो रूल है 2008 हजार्डस वेस्ट के लिए मैनेजमेंट हैंडलिंग एंड ट्रांसबाउंड्री मैनेजमेंट रूल, उसके अंतर्गत गाइडलाइंस दिए हैं कि कैसे कैसे डिस्पोजल करना है, है ना। लैंडफिलिंग के लिए जो साइट का सिलेक्शन करना है उसका गाइडलाइन भी सीपीसीबी में दिया गया है। जो हजार्डस वेस्ट है उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, उसका उसको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह कैसे ले जाएंगे हम, उसको फिर स्टोरेज कैसे करेंगे, या फिर उसे अगर उसके भस्मीकरण विधि इंसिनरेशन के थ्रू जो हम उसका डिस्पोजल करेंगे, उसका ट्रीटमेंट, उसका विधि क्या होगा, उसके रूल क्या होंगे, उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के लिए गाइडलाइन है, उसकी एनालिसिस के लिए है, बहुत सारा उसमें एग्जांपल भी दिया गया है, सैंपल्स भी दिए गए हैं, ये सीपीसीबी ने जारी किया हुआ है। सीपीसीबी द्वारा दिए गए तकनीकी दिशा निर्देश निम्नलिखित हैं, वो क्या है ये देखिए। पहला है, खतरनाक अपशिष्ट के प्रबंधन और निपटान के कारण पर्यावरणीय क्षति के लिए देयताओं को लागू करने और दंड के संबंध में दिशा निर्देश। इसके निपटान में अगर कोई कोताही बरतता है और खतरनाक अपशिष्ट के मैनेजमेंट और डिस्पोजल के कारण, उसके लैक के कारण, गलती के कारण अगर एनवायरनमेंट को क्षति होती है तो इसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ इसके प्रबंधन के लिए, इसके डिस्पोजल के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि कैसे खतरनाक अपशिष्ट का प्रबंधन और उसका डिस्पोजल किया जाएगा। खतरनाक अपशिष्ट लैंडफिल के लिए सामान्य खतरनाक अपशिष्ट भस्मीकरण मानदंड के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। अगर कोई हजार्डस वेस्ट है उसको लैंडफिल के थ्रू जमीन में गाड़कर अगर उसका डिस्पोजल करना है तो वह कैसे करना है, या फिर उसे जलाकर करना है तो वह कैसे करना है, उसका दिशा निर्देश दिया गया है। जो सामान्य खतरनाक अपशिष्ट उपचार भंडारण और सामान्य खतरनाक अपशिष्ट भस्मक सहित निपटान सुविधाओं के प्रदर्शन, मूल्यांकन और निगरानी के लिए प्रोटोकॉल है उसको बनाया गया है। परिचालन सुविधा के स्थापना के लिए दिशा निर्देश दिया गया है। यह खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भी जारी किया गया है दिशा निर्देश। निपटान स्थलों के उचित कामकाज और रखरखाव के लिए दिशा निर्देश दिया गया है। मान लीजिए कि जो हजार्डस वेस्ट है या फिर कोई ऐसा वेस्ट है जिसको डिस्पोजल करना है, जिसका डिस्पोजल करना है, तो उसे कहाँ पर स्टोर किया जाएगा, उसका रखरखाव क्या होगा, उसके लिए गाइडलाइन है। खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन और सीमा पार संचालन नियम 2008 की अनुसूची 5 के अनुसार खतरनाक अपशिष्ट के पर्यावरणीय ध्वनि पुनर्चक्रण के लिए दिशा निर्देश है।
ये जो 2008 का रूल है उसके शेड्यूल 5 में यह दिया गया है कि जो अगर रिसाइकलिंग करने लायक वेस्ट है उसके रिसाइकलिंग का दिशा निर्देश है कि उसके उसे रिसाइकल करके फिर दोबारा कैसे उपयोग करना है ये सब बताया गया है। वहीं लैंड फिलिंग के लिए साइट के चयन का दिशा निर्देश है कि कैसे जगह पर लैंड फिलिंग करना है उसका यहाँ पे गाइडलाइन है। खतरनाक कचरे के परिवहन के लिए दिशा निर्देश है, मतलब जो खतरनाक कचरा है उसको किस तरह से ले जाया जाएगा एक जगह से दूसरे जगह वो है। समान खतरनाक अपशिष्ट उपचार भंडारण और निपटान सुविधाओं और कैप्टिव HW भस्मों के संचालकों द्वारा और खाद्य खतरनाक अपशिष्टों के भंडारण के लिए दिशा निर्देश है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन करने के लिए दिशा निर्देश, खतरनाक अपशिष्टों के नमूने विश्लेषण और विशेषता के लिए सामान्य खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा मैनुअल के लिए साइट का चयन करना, ये गाइडलाइन दिया गया है CPCB के द्वारा। फ्रेंड्स हम लोगों ने बात करी अभी MSW रूल की, ठीक है, और दो रूल हम पढ़े 2000 एंड 2016। ओके, फिर हमने इनके कैटेगरी को पढ़ा, उनके कचरे को कौन कौन स्पेसिफिक कैटेगरी है उनको कवर करना है इन रूल के अंतर्गत कवर किया गया है। सेकेंड हमने पढ़ा CPCB के गाइडलाइन को। अब हम लोग बात करते हैं म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। सबसे पहली बात कि यह जो कानून बनाया गया है वह बनाया गया है MOEF एंड CC के द्वारा। सर ये MOEF एंड CC क्या है? हम कह सकते हैं कि इस कानून को जो बनाया है वह बनाया है the Union Ministry of Environment, Forest एंड क्लाइमेट चेंज। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा वर्ष 2016 में MSW रूल 2016 लाया गया। और आपको बता दें कि यह MSW रूल जो है यह छठा कानून है, सिक्स्थ रूल है जो MSW के निपटान के लिए बनाया गया है। इससे पहले कुछ कानून थे वह था, तो इससे पहले ई वेस्ट मैनेजमेंट, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट वगैरह था, और इसके बाद छठा सीरीज का ये रूल है MSW म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो है 2016 वो छठा है। इसका पूरा नाम MSW है, MSW स्टैंड फॉर म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल 2016। ओके, याद रखिएगा म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। The Union Minister of Environment, Forest and Climate Change (MOEF) and CC recently notified the new Solid Waste Management Rule (SWM) 2016. केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEF और CC ने हाल ही में नए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम SWM 2016 को अधिसूचित किया है। These will replace the Municipal Solid Waste Management and Handling Rule 2000, which have been in place for the past 16 years. ये म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्रबंधन और हैंडलिंग नियम 2000 का स्थान लेंगे और पिछले 16 वर्षों से यह लागू है। ओके, याद रखना है। नेक्स्ट इसी रूल को हम और विस्तार से जानते हैं। दीज रूल्स आर द सिक्स्थ कैटेगरी ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट रूल बाउट आउट बाय द मिनिस्ट्री एज इट हैज अर्लियर नोटिफाइड प्लास्टिक ई वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, हजार्डस एंड कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। ये नियम मंत्रालय द्वारा लाए गए अपशिष्ट प्रबंधन नियमों की छठी श्रेणी है, क्योंकि इससे पहले प्लास्टिक, ई कचरा, बायोमेडिकल, खतरनाक और निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को अधिसूचित किया जा चुका है। ये हमने बता दिया है कि यह सिक्स्थ कैटेगरी का हमारा मैनेजमेंट रूल है, वेस्ट मैनेजमेंट रूल है, SWM सिक्स्थ कैटेगरी का है, और इससे पहले ई वेस्ट वगैरह था, बायोमेडिकल वेस्ट के लिए था रूल, हजार्डस वेस्ट के लिए भी रूल था। The rules have not pushed for decentralized management of waste, but have encouraged centralized treatment such as waste to energy, the present state of which is not good in the country. Also, the informal sector has been considerably neglected in the new rules. कहा जाता है नियमों ने कचरे के विकेंद्रीकृत प्रबंधन के लिए जोर नहीं दिया है, लेकिन केंद्रीकृत उपचार जैसे कचरे से ऊर्जा को प्रोत्साहित किया है, जिसकी वर्तमान स्थिति देश में अच्छी नहीं है। साथ ही नए नियमों ने अनौपचारिक क्षेत्र की काफी उपेक्षा की गई है। तो देखो कहीं भी ये सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में पहले आप जानो, सेंट्रलाइजेशन होता क्या है और डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है। तो देखिए
सेंट्रलाइजेशन हो गया केंद्रीकृत, किसी एक आदमी के हाथ में, यानी किसी एक लोग या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन या किसी एक संस्था के हाथ में जो शक्ति का कंट्रोल है, एक आदमी के हाथ में हो कंट्रोल, उसे हम सेंट्रलाइज्ड बोलते हैं। मतलब डिसीजन वही ले सकता है सारा डिसीजन। और डिसेंट्रलाइजेशन की अगर बात करें तो डिसेंट्रलाइजेशन उसको बोलते हैं, विकेंद्रीकृत विकेंद्रीकरण को बोलते हैं। मतलब कि यहाँ पर क्या होता है कि चीजों को लोगों में बांट दिया जाता है। अगर 10 काम करने हैं तो 10 लोगों को बांट दिया जाएगा, तुमको ये करना है, तुमको वो करना है, उसको रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है। 10 काम के लिए 10 लोगों को रिस्पॉन्सिबल बनाया गया और वो उसके लिए जिम्मेदार है, तो वो हो गया डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन यहाँ अगर 10 काम है तो बस उसका डिसीजन भी एक ही व्यक्ति लेगा या एक ऑर्गेनाइजेशन लेगा, तो वो हो गया केंद्रीकरण केंद्रीकृत। और कहा जाता है कि जहां भी केंद्रीकरण व्यवस्था होती है वहां पर तानाशाही आ जाती है, तानाशाही जन्म ले लेता है, क्योंकि यहां वहां पर वन मैन आर्मी का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जो है वो सब कुछ है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, वह आदमी या वह ऑर्गेनाइजेशन खुद को भगवान समझने लगता है, यानी कि अपने आप को गॉड समझने लगता है, और उसका डिसीजन सर्वोपरि होता है। इसका एग्जाम्पल है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया में सेंट्रलाइजेशन सेंट्रलाइज व्यवस्था है, सत्ता का वहां पर विकेंद्रीकरण नहीं किया गया है, एक आदमी के हाथ में सत्ता है और वो जो डिसीजन लेता है वही सबके लिए मान्य होता है। तो यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो सकता है ना, यहाँ पर डेवलपमेंट कम होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि उत्तर कोरिया भी क्लोज्ड इकोनॉमी है और यहाँ पर बहुत कम डेवलपमेंट हुआ है। रीजन, क्योंकि इन्होंने बाहरी दुनिया को अपने यहाँ इन करने की अनुमति नहीं दी है, तो कैसे यहाँ पर टेक्नोलॉजी जाएगा, कैसे एजुकेशन जाएगा, कैसे डेवलपमेंट होगा। अगर यही डिसेंट्रलाइजेशन की व्यवस्था होती तो वहाँ पर लोग डेवलप कर जाते हैं, वहाँ पे चूंकि काम करने के लिए 10 हैंड हो गए 10 काम के लिए, तो वो काम जल्दी निपटाया जा सकता है, और नई तकनीकें आती हैं, नई व्यवस्थाओं का जन्म होता है, नई रिसर्च किए जाते हैं और डेवलपमेंट होता है। ओके, तानाशाही डिसेंट्रलाइजेशन में नहीं होता है। और इसी सेंट्रलाइजेशन की वजह से हमने जो उस रूल में SWM रूल को सेंट्रलाइज किया हुआ है उसके डिसीजन के लिए, तो इसी के कारण जो है कुछ वर्ग जैसे हैं उसके प्रबंधन में उपेक्षाएं की गई हैं, उन वर्ग को उसे निग्लेक्ट किया गया है। लेकिन हाँ, उसके डेवलपमेंट में अब जोर दिया जा रहा है और धीरे धीरे हम सेंट्रलाइजेशन से डिसेंट्रलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, 62 मिलियन टन्स ऑफ वेस्ट इज जनरेटेड एनुअली इन द कंट्री एट प्रेजेंट, out of which 5.6 million tons is plastic waste, 0.17 million tons is biomedical waste, hazardous waste generation is 7.90 million tons per annum, and 15 lakh tons is e-waste, and only about 75-80% of the municipal waste gets collected annually, 22-28% of these waste is produced, processed and treated. यहाँ पे द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अनुसार 62 मिलियन टन्स वेस्ट जो है वो एनुअली कंट्री में हमारे देश में जनरेट होता है, और जिनमें से कहा गया है कि 5.6 मिलियन टन जो है वह प्लास्टिक वेस्ट है, और वहीं पे 0.17 जो है वो बायोमेडिकल वेस्ट है, और वहीं हजारस वेस्ट जो है 7.90 है हजारस वेस्ट, और 15 लाख टन वेस्ट एंड 70-80% म्युनिसिपल वेस्ट जो है वो कलेक्टेड किया गया है, 22-28% जो होता है वेस्ट उसे उसका ट्रीटमेंट किया जाता है और उसको प्रोसेस किया जाता है, लेकिन ये याद कर लेना है। केंद्रीय पर्यावरण वन और पर्यावरण परिवर्तन राज्य मंत्री के अनुसार वर्तमान में देश में सालाना 62 मिलियन टन कचरा उत्पन्न होता है, जिसमें से 5.6 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा है, 0.17 मिलियन टन बायोमेडिकल वेस्ट है, खतरनाक अपशिष्ट उत्पादन प्रति वर्ष 7.90 मिलियन टन है, और 15 लाख टन ई कचरा है, और नगर पालिका का लगभग 75-80% कचरा ही एकत्र होता है। केवल इस कचरे का 22-28% संसाधित और उपचारित किया जाता है। तो ये जितना कचरा बोला गया है 62 मिलियन, उसका जो भी है ये कैटेगरी, उसमें से 22-28% तक के ही कचरों का ट्रीटमेंट और उसका प्रोसेस किया जाता है। तो सोच लीजिए बाकी का जो रेस्ट बच रहा है वो तो हमारे लिए खतरनाक ही है। तो इस पे ध्यान देने की जरूरत है और आगे भी इस पे संशोधन होगा, काम हो रहा है। द न्यू रूल्स आर नाउ एप्लीकेबल बियॉन्ड म्युनिसिपल एरियाज एंड हैव इंक्लूडेड अर्बन एग्लोमेरेशंस, सेंसस टाउन्स, नोटिफाइड इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स, एरियाज अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडियन रेलवेज, एयरपोर्ट्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, place of pilgrimage, religious and historical importance, and state and central government organization in their ambit.
नए नियम अब नगर पालिका क्षेत्रों से परे लागू हैं और इसमें शहरी समूह जनगणना शहर अधिसूचित औद्योगिक टाउनशिप भारतीय रेलवे के नियंत्रण वाले क्षेत्र हवाई अड्डे विशेष आर्थिक क्षेत्र तीर्थ स्थान धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व और राज्य और केंद्र सरकार शामिल संगठन अपने दायरे में इन लोगों को ला रहे हैं। बहुत अच्छा है। अब एक नया नियम बना दिया है कि जितना भी ये नगर पालिका के क्षेत्र से अलग भी जो एरिया है या फिर शहरी समूह है, जनगणना शहर है, औद्योगिक टाउनशिप है, भारतीय रेलवे नियंत्रण वाले क्षेत्र हैं, हवाई अड्डा है, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है SEZ बोलते हैं उसको, वह या फिर जो तीर्थ स्थान है उन सब जगहों पर या फिर हिस्टोरिकल प्लेस है उन सब जगहों को भी इंक्लूड किया है कि वहां से भी कचरे को कलेक्ट किया जाए, क्योंकि ये सब जगह भी है जहां पर कचरे बहुत अधिक उत्पन्न होते हैं। सरकार का सबसे बढ़िया ये कदम है और बहुत अच्छे तरीके से गवर्नमेंट ने इसे प्लान किया है और इस पर काम चल रहा है, एग्जीक्यूशन भी हो रहा है, तो इससे हमें काफी फायदा मिलेगा। अब हम लोग आज बात करते हैं आज के आखिरी टॉपिक की, कुछ फीचर्स हैं, साइलेंट फीचर्स। न्यू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 है, उनमें क्या क्या विशेषताएं दी गई हैं, सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। ओके, तो आप लिखिए इसे, साइलेंट फीचर्स सेग्रीगेशन एट सोर्स, इसका हिंदी होता है स्रोत पर पृथक्करण। कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ सैनिटरी वेस्ट, सैनिटरी कचरे को जमा एवं निपटान करना। कलेक्ट बैक स्कीम फॉर पैकेजिंग, पब्लिक सेक्टर बैक स्कीम। यूजर्स फीस फॉर कलेक्शन, वेस्ट प्रोसेसिंग ट्रीटमेंट, कचरा प्रसंस्करण एवं उपचार, ट्रीटमेंट लगा दिया, वेस्ट प्रोसेस, प्रमोटिंग यूज ऑफ कंपोस्ट, यूजेज ऑफ कंपोस्ट, कंपोस्ट के यूज को, कंपोस्ट के उपयोग को बढ़ावा देना, प्रमोटिंग ऑफ वेस्ट एनर्जी, प्रमोटिंग ऑफ वेस्ट ऑफ एनर्जी, कचरा से ऊर्जा को बढ़ावा देना, रिवीजन ऑफ पैरामीटर्स एंड एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स, रिवीजन ऑफ पैरामीटर्स एंड एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स, मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट ऑफ हिली एरियाज, यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्र है ना उसमें जो कचरे हैं उनके प्रबंधन के लिए ये रूल है। कंस्टिट्यूशन ऑफ अ सेंट्रल मॉनिटरिंग कमिटी, इन कचरों के प्रबंधन के लिए जो एक सेंट्रल मॉनिटरिंग कमिटी जो है उनका सेटअप बनाने के लिए एक रूल है इसमें SWM 2016 में। ये 10 पॉइंट आपको याद रखने हैं, 10 पॉइंट में आपका SWM 2016 कवर हो जाता है। एक केंद्रीय निगरानी समिति बनाई गई है, जो लास्ट वाला सेक्शन था वो बोला गया SWM 2016 में। यहाँ पे हमने डिफाइन किया है सबको जो हमने लिखा था, सेग्रीगेशन एट सोर्स। The new rules have mandated the source segregation of waste in order to channelize the waste to wealth by recovery, reuse and recycle. जो 3R का concept है ना, हमने जो बताया था, recovery, reuse और recycle, ये SWM 2016 में ये rule दिया गया, ये concept दिया गया था। Waste generators would now have to segregate waste into 3 stream: biodegradable, dry, plastic, paper, metal, wood. इन dry के category में जो रखा गया है प्लास्टिक, पेपर, मेटल और वुड को, और ये 3 स्ट्रीम में बांटा गया है, एक है बायोडिग्रेडेबल, एक है ड्राई एंड तीसरा है डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट। डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट में हम लाते हैं डायपर्स को, नैपकिंस को, मॉस्किटो रिपेलेंट्स को, क्लीनिंग एजेंट्स को जो घर में यूज होता है, घर में भी खतरनाक कचरे होते हैं उसमें डायपर आता है, नैपकिंस आता है, मॉस्किटो या मच्छर मारने वाला जो दवा होता है, या फिर क्लीनिंग एजेंट्स है जिसको यूज करके हम घर की सफाई करते हैं, जैसे कि फिनाइल हो गया या हाइपोक्लोराइड हो गया, हाइपोक्लोराइड डालकर भी यूज करते हैं, ब्लीचिंग जिसे ब्लीचिंग बोलते हैं, ये सब चीज, तो ये सब बहुत ही खतरनाक है।
तो इन सब के लिए भी रूल है इसमें, जहाँ से वेस्ट जनरेटर हो, जो जहाँ से वेस्ट जनरेट होता है उसे तीन कैटेगरी में, तीन स्ट्रीम में बांटा गया है। वो कौन कौन सा था? बायोडिग्रेडेबल, ड्राई, एंड तीसरा था डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट। बिफोर हैंडलिंग इट ओवर टू द कलेक्टर, इंस्टीट्यूशनल जनरेटर्स मार्केट एसोसिएशन, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स एंड होटल्स एंड स्टूडेंट्स हैव बीन डायरेक्टली मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेग्रीगेशन एंड सॉर्टिंग द वेस्ट एंड मैनेज इन पार्टनरशिप विद लोकल बॉडीज। और इस रूल में यह भी कहा गया है कि जो जो इंस्टीट्यूशन जनरेटर है ये वेस्ट के, उनको लोकल जो बॉडी है वहाँ की नगर निगम, उनके हेल्प से जो भी वेस्ट जनरेट हुआ है उसके डिस्पोजल में मदद लेकर उनका डिस्पोजल करेंगे। और उनमें जो रखा गया है, इन लोगों को शामिल किया गया है, वो है मार्केट एसोसिएशन, इवेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइजर है और उन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज डिसाटी वगैरह हुआ या फिर ऐसा कोई भी इवेंट, उनको शामिल किया गया है, होटल्स को, रेस्टोरेंट्स को, ये सब जो है डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, किसके लिए? वेस्ट के मैनेजमेंट के लिए, वेस्ट के जनरेशन के लिए। तो इनको अगर आप वेस्ट का मैनेजमेंट करना है तो वहाँ पर लोकल बॉडीज है, नगर निगम वगैरह, उनकी मदद लेकर ये कर सकते हैं। और इनको करना है, अगर ये वेस्ट जनरेटर हैं तो इन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आपको उस वेस्ट का डिस्पोजल करना है। इन केस ऑफ एन इवेंट और गैदरिंग ऑफ मोर देन 100% एट एनी लाइसेंस्ड अनलाइसेंस्ड प्लेस, द ऑर्गेनाइजर विल हैव टू इंश्योर सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट सोर्स, एट हैंडलिंग ओवर ऑफ सेग्रीगेटेड वेस्ट टू वेस्ट कलेक्टर्स और एजेंसी एज स्पेसिफाइड बाय द लोकल बॉडीज। कह रहा है कि अगर ऐसा कोई इवेंट है या फिर ऐसा कोई गैदरिंग हुआ, जाए भीड़ भाड़ हो गया, वहां पे लोग इकट्ठा है 100 से अधिक, या फिर वो लाइसेंस्ड प्लेस है या अनलाइसेंस्ड प्लेस है, तो वहां पे ऑर्गेनाइजर को, जिसने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है, उनको यह रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वहां पर जो वेस्ट जनरेट हुआ तो उस वेस्ट को सेग्रीगेट करना है, अलग अलग करना है कैटेगरी में, कि कौन सा बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में आता है, कौन सा हजार्डस की कैटेगरी में आ रहा है, कौन ड्राई कैटेगरी में है, और कैटेगरी वाइज कचरे को अलग अलग करके लोकल बॉडी के मदद से उसको, या एजेंसी के मदद से, या वेस्ट कलेक्टर को इन्फॉर्म करके इन कचरे का निपटान करवाना है। ओके, ऑल होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स विल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू सेग्रीगेट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड सेट अप अ सिस्टम ऑफ कलेक्शन टू इंश्योर दैट सच फूड वेस्ट इज यूटिलाइज्ड फॉर कंपोस्टिंग बायो मिथेनेशन। कहा गया है जितना भी होटल है या रेस्टोरेंट है उसे ये कहा गया है कि जितने भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको सेग्रीगेट कीजिए, आप अलग अलग कीजिए, और उसके कलेक्शन को इंश्योर कीजिए। जैसे कि फूड का वेस्ट है मानिए, तो उसको यूटिलाइज किया जा सकता है ना, फूड के वेस्ट को कंपोस्टिंग में यूज किया जा सकता है, या उससे बायोमीथेन बनाया जा सकता है। तो उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जितने भी होटल है ये और रेस्टोरेंट है। द रूल्स मैंडेट दैट ऑल रेजिडेंट वेलफेयर एंड मार्केट एसोसिएशन एंड गेटेड कम्युनिटीज विद एन एरिया ऑफ अबव 5,000 स्क्वायर मीटर विल हैव टू सेग्रीगेट वेस्ट एट सोर्स इनटू मटेरियल लाइक प्लास्टिक, टिन, ग्लास, पेपर एंड अदर्स, एंड हैंड ओवर रिसाइक्लेबल मटेरियल आइदर टू ऑथराइज्ड वेस्ट पैकर्स पिकर्स एंड रिसाइकलर्स और टू दी लेवल लोकल बॉडीज। ये मैंडेटरी रूल में किया गया है कि जितने भी वेलफेयर रेजिडेंट है, मार्केट एसोसिएशन है, कमिटीज हैं, जो 5,000 स्क्वायर फीट के एरिया से अधिक में कचरे को फैलाया गया है, उनको क्या करना है कि जितने भी मटेरियल उस सोर्स पे है अवेलेबल, उसको सेग्रीगेट करना है, और किसे इन्फॉर्म करना है? जो ऑथराइज्ड वेस्ट पिकर्स हैं, कलेक्टर्स हैं, जो निबंधित हैं, जिन्हें जिन्हें गवर्नमेंट ने ऑथराइज कर रखा है, उनको कॉल करना है, वेस्ट पिकर को या रिसाइकलर को या लिविंग जो लोकल बॉडीज है उनको इन्फॉर्म करके इस वेस्ट का मैनेजमेंट करना है। वही बात हिंदी में लिखी गई है, हम लोग हिंदी में भी इसको पढ़। स्रोत पर पृथक्करण, नए नियमों ने कचरे के स्रोत पर पृथक्करण को अनिवार्य कर दिया है ताकि वसूली, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण द्वारा कचरे को धन में स्थानांतरित किया जा सके। RRR के द्वारा इन कचरे से कुछ मनी, कुछ रुपए कमाया जा सके। कचरा पैदा करने वालों को अब कचरे को कलेक्टर को सौंपने से पहले, यानी कि जो जमा करने वाला है उसको सौंपने से पहले, तीन धाराओं में, यानी कि तीन भाग में, बायोडिग्रेडेबल सूखी, जिनमें कि प्लास्टिक, कागज, धातु, लकड़ी आदि आते हैं, और घरेलू खतरनाक कचरे, जिसमें डायपर, नैपकिन, मच्छर भगाने वाले सफाई एजेंट आदि को अलग करना है, और तीनों को अलग करके जो कचरा लेने वाला आया है उसको देना है। संस्थागत जनरेटर बाजार संघों, कार्यक्रम के आयोजकों और होटल और रेस्तरां को स्थानीय निकायों के साथ साझेदारी में कचरे को अलग करने और छांटने और प्रबंधन के लिए सीधे जिम्मेदार बनाया गया है। हमने बता दिया है, किसी घटना के मामले में या किसी भी लाइसेंस या लाइसेंस रहित स्थान पर 100 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने की स्थिति में
आयोजक को यह सुनिश्चित करना होगा कि कचरे को स्रोत पर अलग किया जाए और अलग किए गए कचरे को स्थानीय निकाय द्वारा निर्दिष्ट कचरा संग्रहकर्ता या एजेंसी को सौंप दिया जाए। वो भी हमने बोल दिया है, समझा भी दिया है। सभी होटलों और रेस्तरां को बायोडिग्रेडेबल कचरे को अलग करने और संग्रह की एक प्रणाली स्थापित करने की भी आवश्यकता होगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस तरह के खाद्य अपशिष्ट का उपयोग खाद्य जैव मिथेनेशन या जैव मिथेनेशन के लिए किया जाता है। नियमों में यह भी कहा गया है कि सभी रेजिडेंट वेलफेयर और मार्केट एसोसिएशन और गेटेड कम्युनिटी 5000 वर्ग मीटर से ऊपर के क्षेत्र के साथ उन्हें स्रोत पर कचरे को प्लास्टिक, टिन, कांच, कागज और अन्य सामग्री में अलग करना होगा और पुनर्चक्रण योग्य सामग्री को अधिकृत कचरा बीनने वालों और पुनर्चक्रणकर्ताओं या लीवन स्थानीय निकाय को सौंपना होगा। ओके, यहीं पे कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ सैनिटरी वेस्ट की बात की गई है SWM 2016 में। द मैन्युफैक्चरर्स और ब्रांड ऑनर्स ऑफ सैनिटरी नैपकिन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अवेयरनेस फॉर प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सच वेस्ट बाई द जनरेटर्स एंड सेल प्रोवाइड अ पाउच और रैपर फॉर डिस्पोजल ऑफ ईच नैपकिन डायपर्स अलॉन्ग विद द पैकेट ऑफ देयर सैनिटरी प्रोडक्ट्स। तो कलेक्शन एंड डिस्पोजल जो सैनिटरी वेस्ट का है, उसमें जो बनाने वाला है सैनिटरी को, बनाने वाले कंपनी को भी और ब्रांड, जिस ब्रांड का वो सामान है, ब्रांड ऑनर को भी सैनिटरी नैपकिन वगैरह को डिस्पोजल करने और उसके अवेयरनेस को फैलाने के लिए जिम्मेदार बनाया गया है और उसके डिस्पोजल के अवेयरनेस के लिए भी जिम्मेदार बनाया गया है, ताकि वो जब अपना प्रोडक्ट सेल करें तो खरीदने वाले को यह बता दें कि जिसे आप खरीद रहे हैं इसको उपयोग करने के बाद इसका डिस्पोजल कैसे करें। अच्छी पहल है गवर्नमेंट की कि खरीदने वाले को तो रिस्पॉन्सिबल बनाया ही है, साथ ही साथ बेचने वाले को भी रिस्पॉन्सिबल बनाया है, बनाने वाले को भी रिस्पॉन्सिबल बनाया है, जो यह प्रोडक्ट बना रहा है उसको भी बनाया है, ब्रांड ऑनर को भी बनाया है। कलेक्ट बैक स्कीम फॉर पैकेजिंग वेस्ट एज पर द रूल ब्रांड ऑनर्स हु सेल मार्केट देयर प्रोडक्ट्स इन पैकेजिंग मटेरियल व्हिच आर नॉन बायोडिग्रेडेबल शुड पुट इन प्लेस सिस्टम टू कलेक्ट बैक द पैकेजिंग वेस्ट जनरेटेड ड्यू टू देयर प्रोडक्शन। कलेक्ट बैक स्कीम भी है SWM 2016 में, जिनमें पैकेजिंग वेस्ट जो होता है उसके लिए रूल बनाया गया है और ब्रांड ऑनर को और सेल मार्केट को उसके प्रोडक्ट को, पैकेजिंग मटेरियल को जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उसको कलेक्ट बैक पैकेजिंग सिस्टम के थ्रू कलेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है। इस वेस्ट को किस जगह पे प्लेस करना है उनके बारे में बताया गया है। यूजर फीस फॉर कलेक्शन, द न्यू रूल्स हैव बीन पावर टू द लोकल बॉडीज अक्रॉस इंडिया टू डिसाइड द यूजर फीस। म्युनिसिपल अथॉरिटीज विल लेवी यूजर फीस फॉर कलेक्शन, डिस्पोजल एंड प्रोसेसिंग फ्रॉम बल्क जनरेटर्स। एज पर द रूल्स, द जनरेटर्स विल हैव टू पे यूजर फी टू द वेस्ट कलेक्टर्स and a spot fine for littering and non-segregation, the quantum of which will be decided by the local bodies. Also, the new rules have mentioned about the integration of rag pickers, waste pickers and kabadi walas from the informal sectors to the formal sectors by the state government. The rule also stipulated zero tolerance for throwing, burning or buying the solid waste generated on streets, open public spaces outside the generators premises or in the drain or water bodies. SWM 2016 में जो यूजर फीस है, उपयोगकर्ता पर एक फीस किया गया है कलेक्शन के लिए। मानिए कि आपके पास कचरा है, आपने वेस्ट जनरेट किया है, घर में कचरा है या फिर बाहर है, तो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज ने कुछ फी चार्ज किया है कि आपको आपका कचरा हम उठाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको कुछ फी देना पड़ेगा, ठीक है। कुछ स्पॉट फाइन है, कुछ रूल्स बनाए गए हैं कि आप अगर कचरे को यत्र तत्र फेंकते हैं तो आप पर फाइन इम्पोज किया जाएगा। वेस्ट पिकर्स, कबाड़ी वाला, रैग पिकर्स, ये सब फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर, इन सबको भी कचरा के कलेक्शन के लिए जिम्मेदार बनाया गया है और जीरो टॉलरेंस के थ्रू कचरे को इधर यत्र तत्र ना फेंकने के लिए भी रूल बनाए गए हैं। स्ट्रीट हो गया, ओपन पब्लिक प्लेसेस आउटसाइड है, वहां पर जो प्रीमाइसेस है, जो क्षेत्र है, जो एरिया है पब्लिक प्लेस का, उन सब जगहों पर कुछ रूल बनाए गए हैं कि आप यत्र तत्र कचरा ना फेंकें। आप करते हैं इस तरह का कृत्य या कोई कार्य तो आपको दंडित किया जाएगा। हम लोग पढ़ रहे हैं SWM 2016 और इसमें सेकेंड है सैनिटरी कचरे का संग्रह और निपटान। सैनिटरी नैपकिन के निर्माता या ब्रांड मालिक जनरेटर द्वारा इस तरह के कचरे के उचित निपटान के लिए जागरूकता के लिए जिम्मेदार है और प्रत्येक नैपकिन या डायपर के निपटान के लिए पैकेट के साथ एक पाउच या रैपर प्रदान करेंगे उनके सैनिटरी उत्पाद के साथ, कि आपको एक रैपर दिया जा रहा है जिसके और एक पाउच दिया जा रहा है जिसमें आप उपयोग के बाद इस कचरे को डिस्पोज करेंगे या फिर उसको संग्रह करके रखेंगे और कलेक्टर जो कलेक्शन करने वाला आएगा उन्हें दे देंगे। ये इस पर हमने चर्चा कर लिया था। पैकेजिंग वेस्ट
के लिए कलेक्ट बैक स्कीम नियम के अनुसार जो ब्रांड मालिक अपने उत्पादों को गैर बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग सामग्री में बेचते हैं उन्हें अपने उत्पादन के कारण उत्पन्न पैकेजिंग कचरे को वापस इकट्ठा करने के लिए सिस्टम लगाना चाहिए। ये भी रूल बनाया गया है कि आप पैकेजिंग कंपनी है आपके द्वारा जो है कलेक्ट बैक स्कीम एक रूल है उसमें इसके अनुसार जो भी कचरा पैकेजिंग से रिलेटेड है गैर बायोडिग्रेडेबल है नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसको आप दोबारा कलेक्ट करने के लिए जिम्मेदार बनिए। आपके लिए जिम्मेदारी दी गई है कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग सामान है उसे आप अगर बेचते हैं तो उसे फिर से आपको कलेक्ट करना है, जैसे कि प्लास्टिक वगैरह हो गया जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है पता गलता नहीं है तो आप उसे फिर से कलेक्ट कीजिए, फिर से रिसाइकल कीजिए और फिर से उसको यूज में लाइए। ये भी कलेक्ट बैक स्कीम के थ्रू पैकेजिंग वेस्ट के लिए बनाया गया रूल है। ये किस में है? वर्णित SWM 2016 में। संग्रह के लिए यानी जमा करने के लिए उपयोगकर्ता शुल्क, तो अभी जो SWM 2016 है उसके नियम के अनुसार पूरे भारत में स्थानीय निकायों को उपयोगकर्ता शुल्क तय करने का अधिकार दिया गया है, यानी कि थोक जनरेटरों से संग्रहण निपटान और उसके प्रसंस्करण के लिए प्रोसेसिंग के लिए नगर निगम के अधिकारी पैसा वसूलेंगे उपयोगकर्ता शुल्क आपसे। भाई आपने वेस्ट संग्रह ये फैलाया है, आपने कचरा फैलाया है तो उसके निपटान के लिए हम आपके पास आएंगे करेंगे तो आपसे हम कुछ शुल्क लेंगे तब जाकर हम आपका कचरे का निपटान करेंगे। ये अच्छी पहल है, जब पैसा किसी चीज पे इम्पोज किया जाता है लिया जाता है तो लोग कम करता है उसका उपयोग। जैसे कि अभी वेस्ट पे अगर इन्होंने नियम लगा दिया कि भाई आप अगर कचरा फैला रहे हैं और हम आएंगे उस कचरे को उठाने के लिए तो हम आपसे पैसा लेंगे, तो ये पैसा जब लगा दीजिएगा ना चार्ज तो आदमी सोचेगा कि अरे ज्यादा अगर हम कचरा फैलाएंगे तो हमको पैसा ज्यादा पे करना पड़ेगा, तो वो कम करता है उसका उपयोग। इस प्रकार बिजली ले लीजिए, बिजली पे हमने बिल रखा हुआ है तो हमने नहीं बिजली पे गवर्नमेंट ने अमाउंट चार्ज किया हुआ है तो लोग बिजली यूज करने से पहले उसको सोचते हैं कि इसका कम से कम उपयोग करें ताकि कम यूनिट खर्च हो, तो यहाँ पे गवर्नमेंट को भी फायदा है और साथ ही साथ इसका दुरुपयोग भी नहीं होता है। लेकिन इसका दुरुपयोग कब देखने को मिलता है? देखिए गवर्नमेंट की भी मजबूरी है किसी किसी चीज पर फाइन इम्पोज करना, चार्ज इम्पोज करना, अगर वो नहीं करेंगे ना तो आदमी अवेयर नहीं होता, जब तक पैसा नहीं लगेगा उसको जुर्माना नहीं लगेगा या फिर जब तक कोई चार्ज नहीं देना पड़े तब तक वो अवेयर नहीं होता। फ्री का रहता है तो उसे पब्लिक क्या करता है और उसका केयर नहीं करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है। इसका एक एग्जांपल है नल जल योजना। मैंने कई जगहों पे देखा है कि नल जल योजना में गवर्नमेंट ने पानी घर घर तक पहुंचाया है, तो मैं अपने पड़ोस में ही मैंने देखा एक पड़ोसी के यहाँ कि जब भी सुबह शाम पानी आता है उनका नल खुला ही रहता है हमेशा, क्योंकि इस नल जल योजना के तहत जो पानी सप्लाई किया जा रहा है उस पर गवर्नमेंट ने कोई फाइन इम्पोज नहीं किया है, कोई चार्ज इम्पोज नहीं किया है। तो जिनके पास ये कनेक्शन है पानी का वो सोचते हैं कि भाई पैसा तो देना नहीं पड़ेगा, तो अपना जितना पानी आ रहा है उसको खोले हुआ है, बेवजह वो पानी चलता रहता है। कई बार हमने उन्हें डांटा भी समझाया भी, लेकिन भाई झगड़ा कौन मोल लेने जाए, उनका निजी जिंदगी है, लेकिन समझने को तैयार नहीं है लोग। मैं तो कहता हूँ कि गवर्नमेंट को इस पर भी चार्ज लगा देना चाहिए, नल जल योजना पे भी, कि आप यूज करो जितना पानी यूज करोगे मीटर उठेगा उतना पैसा लेंगे, फिर देखो ये पानी फिर नल खोलकर छोड़ना ही भूल जाएंगे। तो कहीं कहीं पे पॉलिसी में फाइन या चार्ज इम्पोज करना गवर्नमेंट की मजबूरी हो जाती है। यहाँ पर कहा गया नियमानुसार जनरेटर्स को कूड़ा उठाने वाले को उपयोगकर्ता शुल्क और कूड़ा करकट और गैर पृथककरण के लिए स्पॉट फाइन देना होगा, मात्रा जिसका निर्णय स्थानीय निकाय करेंगे। साथ ही नए नियमों में राज्य सरकार द्वारा अनौपचारिक क्षेत्रों से औपचारिक क्षेत्रों में कूड़ा बीनने वालों, कचरा बीनने वालों और कबाड़ी वालों के एकीकरण के बारे में उल्लेख किया गया है। नियम फेंकने के लिए शून्य सहनशीलता यानी कि जीरो टॉलरेंस भी निर्धारित की गई है। इसके तहत आप सड़कों पर उत्पन्न ठोस कचरे को जलाना या दफनाना, जनरेटर के परिसर के बाहर खुले सार्वजनिक स्थान या नाले या जल निकायों का में कचरा फैलाना इत्यादि के बारे में नियम बताए गए हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए यहाँ पे ही हम क्लास को रोकते हैं। जो रेस्ट है वो नेक्स्ट क्लास में हम आपका पांच जो नियम बच चुके हैं उनका डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि क्लास लंबा हो गया है और मुझे और भी कुछ नेक्स्ट क्लास के लिए करना है। सो यहाँ पे हम अपने क्लास को विराम देते हैं, स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, इसी को कंटिन्यू करेंगे। ओके और हम आपसे फिर से बोल दे रहे हैं कि अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज आप गूगल प्ले स्टोर में जाइए और वहां से स्टडीज पार्क नाम से ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, फ्री टेस्ट लगाइए। ओके पढ़ाई कीजिए, काफी सारा फ्री मटेरियल अवेलेबल है उसको पढ़िए। और हमारा जो बैच है BSSC CGL 3 के लिए इसको जरूर ज्वाइन कीजिए, इसमें आप 299 रुपए में मॉक दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक, एक साल तक की वैलिडिटी है ये।
और एग्जाम जब तक नहीं होगा तब तक इसे हम एक्सटेंड करेंगे। इसमें हमारा फाउंडेशन कोर्स भी है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं बैच में वीडियो और क्वीज और टेस्ट देना चाहते हैं, पीडीएफ चाहिए तो फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कीजिए। और एक टारगेट बैच है जिसमें हम गारंटी लेते हैं कि आपको पास फ्री कराएंगे, अगर नहीं कराएंगे तो पैसा वापस कर देंगे। हमारा क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं और बीएससी सीजीएल 3 जरूर ज्वाइन कीजिए मॉक। इसमें मेरा इसलिए रिक्वेस्ट है क्योंकि मुझे विश्वास है कि हमारे मॉक टेस्ट वगैरह ज्वाइन कीजिएगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ से आएंगे। ठीक है, थैंक यू।